पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के लखनऊ नेशनल हाईवे 24 पर विक्टोरिया टोल प्लाजा पर आज कावड़ यात्रा को लेकर सीओ हाईवे दीपक सिंह और थानाध्यक्ष हिमांशु चौहान ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और रोड पर तैनात पुलिस कर्मियों को अलर्ट रहने के दिशा निर्देश दिए। पुलिस कर्मियों को हिदायत देते हुए कहा कि रूट डायवर्जन के तहत जो रूट कावड़ियों के लिए चिन्हित किया गया है उस रोड पर कोई भी वाहन या बाइक न चलाए। यदि कोई वाहन उस रोड पर ले जाता दिखाई देता है तो ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रामपुर से अमरोहा की तरफ जाने वाली जो नेशनल हाईवे 24 है इस पे राइट साइड का जो लेन है ये पूरी तरीके से कावड़ियों के लिए रिजर्व कर दिया गया है। कावड़ियाँ इस पे जाएंगे भी और आएंगे भी। जो लेफ्ट साइड वाली लेन है इस लेन पे पब्लिक के लिए खोला गया है। इस लेन पे ही पब्लिक को आना भी है और जाना भी है। जिसको रामपुर से अमरोहा की तरफ जाना है मुरादाबाद होते हुए या दिल्ली के लिए जाना है इस लेफ्ट साइड वाली लेन से ही आएगा और जाएगा पब्लिक के लिए, यही व्यवस्था कराई गई है। राइट साइड का जो लेन है वो रिजर्व कर दिया गया है सिर्फ कावड़ियों के लिए। कावड़ियाँ इसी रास्ते से आएंगे भी और जाएंगे भी। सर, किस तरह की व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा और कावड़ियों को लेकर के मुख्य चौराहों पर शौचालय को लेकर के उनके रहन सहन को पानी की व्यवस्थाएं किस तरह की प्रशासन द्वारा की गई हैं? यहाँ जगह जगह पे स्टॉल की व्यवस्था कराई गई है। कावड़ियों के लिए शिविर की व्यवस्था कराई गई है। कावड़िये जो आ रहे हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पे है और साथ में जितने भी बीच में कट बने हुए हैं जो जहाँ से यू टर्न करने के लिए पब्लिक के लिए सुविधा दी गई थी उन सभी कट को बंद कर दिया गया है जिससे कि कावड़ियों को इस असुविधा ना हो, ताकि किसी तरह की असमान स्थिति ना हो, ना कोई दुर्घटना घटने पाए। इस पर्पज से सारे कट बंद कर दिए गए हैं। सिर्फ 3 कट पूरे इस हाईवे पर खुले हुए हैं। एक 0 पॉइंट कट खुला हुआ है, दूसरा चंदौसी कट खुला हुआ है, चंदौसी कट जो हाईवे से नीचे उतरता है चंदौसी कट खुला हुआ है, और तीसरा संभल कट जो नेशनल हाईवे 24 से संभल के लिए रास्ता जाता है मैठे होते हुए वो रास्ता खुला हुआ है। 3 कट से खुले, बाकी सारे कट बंद कर दिए गए जिससे कि किस तरह की असुविधा या किस तरह की दुर्घटना ना होने पाए। सर, कावड़ यात्रा को लेकर के आप किस तरह की अपील करना चाहोगे जो श्रद्धालु जा रहे हैं और आ रहे हैं उनसे भी, और जो क्षेत्र की जनता और हाईवे पर जो वाहन चल रहे हैं रोड डाइवर्जन को लेकर जो बंद हैं खुले हुए हैं उन पर कैसे चलना चाहिए, क्या अपील है? पब्लिक से यही अपील रहेगा, चूँकि इधर 4 दिन के लिए फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, और चूँकि इस बार शिवरात्रि का त्यौहार भी है तो ट्यूजडे को भी पूरा ट्रैफिक व्यवस्था हमारा डाइवर्जन जो प्लान है वो लागू रहेगा। इसलिए अगर पब्लिक को अनावश्यक कोई काम ना हो तो किसी तरह के क्षेत्र में निकलने की जरूरत नहीं है, अपना घर पे रहें। किस तरह चूँकि यहाँ अगर क्षेत्र में निकलेंगे तो भीड़ में फंसने की संभावना हो सकती है, इसलिए अनावश्यक भीड़ का हिस्सा ना बने और अपना शांति से घर पर रहें, तक कावड़ियों को अपने त्यौहार के लिए मनोरंजन के लिए अन्य जो भी कार्रवाइयाँ हैं करने दें। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।